हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मेडीजी में। आज बात करते हैं काउंसलिंग आपकी कभी भी स्टार्ट हो सकती है। काउंसलिंग की तैयारी पहले ही से कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग तैयार चालू होने के बाद ज़्यादा समय आपको नहीं मिल पाता है। आपको चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम है, और आप हमारे दो ऑफिसेस हैं जहाँ पे आप हमसे फिजिकली मिल सकते हैं, कानपुर और मेरठ। आप अगर यहाँ आसपास के हैं, फ्री काउंसलिंग सेशन रहेगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी। फिजिकली आप आइए और पूरी इन्फॉर्मेशन सीधा मुझसे मिले, अब किसी से आपकी बात भी नहीं होगी, सीधा मुझसे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मेरठ में जो मिलने की टाइमिंग है वो 10 जुलाई से 14 जुलाई तक रहेगी। जब भी आपको आना हो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दोनों ऑफिसेज के एड्रेस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, काउंसलिंग की तैयारी आप कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले आप अपनी डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि EWS OBC ये डॉक्यूमेंट आपका 31 मार्च 2023 के बाद का ही होना चाहिए, अदरवाइज एडमिशन होने के बाद भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। SC ST के केस में आपके डॉक्यूमेंट वो क्लियर होने चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आप PWD से आते हैं तो जो 16 सेंटर जो हॉस्पिटल हैं उन्हीं में से अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तभी आप ले सकते हैं। कुछ स्टेट में ऐसे नियम हैं जो आप स्टेट से भी ले सकते हैं, बट अगर आपको ऑल इंडिया से कॉलेज लेना है तो ये 16 हॉस्पिटल से ही बना हुआ PWD होना चाहिए। इसके बाद डोमिसाइल, काफ़ी ऐसी स्टेट काउंसलिंग है, ऑल इंडिया काउंसलिंग आपकी जो MCC है वो तो डोमिसाइल फ्री है, बट काफ़ी ऐसी स्टेट काउंसलिंग है जहाँ पे अगर आपने 10th और 10+2 बाहर से किया हुआ है तो आपको अपना नहीं बट अपने मदर या फादर का डोमिसाइल बनवाना पड़ता है, तभी आप निवासी माने जाएंगे। थर्ड आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है आपका ATM कार्ड और नेट बैंकिंग, क्योंकि कहीं पे भी DD नहीं लगना है, हर जगह आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अपना ATM चेक कर लीजिए, काफ़ी बच्चे फिक्स टाइम पे आते हैं उनके ATM ही चालू नहीं होते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। नेट बैंकिंग नहीं है, ले लीजिए ID पासवर्ड, जिससे आपको आगे कोई पेमेंट करने में दिक्कत ना हो। जब काउंसलिंग कर रहे हैं तो पहले से ही तैयारी रखिएगा। आपको हमारे चैनल पे लगभग बॉन्ड डिटेल, फी डिटेल, चॉइस फिलिंग प्रेफरेंसेस के वीडियो मिल जाएंगे, आपको देख लेना है। अगर आपको कोई ज़्यादा जिस राज्य में बॉन्ड है नहीं जाना है तो आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं कि मुझको किस किस राज्य में, किस किस स्टेट में एडमिशन लेना है। इसके बाद फी डिटेल, तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट कॉलेज में भी फीस महंगी होती है, जो कुछ लोगों के लिए महंगी हो सकती है। यहाँ पे भी आपकी ज़ीरो फीस भी है, 2000 फीस भी है, 5000 फीस भी है और 1,70,000 फीस भी है सरकारी कॉलेज की। मैंने पूरी लिस्ट डाली हुई है पूरे भारत के सभी कॉलेजेस की, आप वहाँ पे फीस देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, जो आपका बजट है वहाँ तक चॉइस फिलिंग करिए। चॉइस का प्रेफरेंस भी पहले से ही तैयार कर लीजिए, और चॉइस को फिल करने के बाद कम से कम 2 से 3 बार उसको चेक करिए। काफ़ी बार क्या होता है कि एक जैसे 2 कॉलेज आपको लग रहे होते हैं, आप उसको दूसरे लोकेशन का समझ रहे होते हैं, तो पूरा कोई ऐसी मिस्टेक ना होने पाए जो आप भर रहे हैं वही कॉलेज आपने वास्तव में भरा है नहीं। में चॉइस फिलिंग करने के बाद कम से कम उसको 2 बार चेक करिए, तब उसको लॉक करिए। ये सारे पॉइंट का आप अभी से ध्यान रखेंगे, काउंसलिंग में कोई दिक्कत है हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पैड सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।